अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, मुझे सिफारिश के मोहताज नहीं है कि मैं उनके बारे में डिटेल्स बताऊँ, आपको नाम ही काफी है। हमारे साथ हैं जी वैभव सिंह जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया आज, थैंक यू सो मच। वैभव जी, कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है, और आपने हमें, जैसे आपका स्टाइल है कि बिल्कुल आप खुल के बताते हैं, तो उसी तरीके से आप बताइएगा। तो सबसे पहले तो एक आपकी वीडियो आई है जो ऑफ कोर्स मेजर गौरव ने उसमें बात की है, लेकिन आपके चैनल की है। उसमें आप लोग डिफरेंट एड्रेसेस बता रहे हैं, आईडी कार्ड्स बता रहे हैं, आपके सही इकदाम और उनके पोल खोल रहे हैं आप, मतलब शादी के हवाले से कह रहे हो, बेचारे इधर उधर जा रहे हैं, तो आपको वो भी बता दिया साथ में। तो इस सबसे भारत को या इंडिया को क्या फायदा होगा, या पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा अगर उन्हें ये पता चले कि इनके आईडी कार्ड नंबर ये है और ये है। इसलिए आपके कह देने से तो कोई मान ही लेगा ना कि ये लोग टेररिस्ट ही हैं। देखिए, वो जो आईडी कार्ड्स के नंबर और उनके सीएनआईसी नंबर और उनके एड्रेसेस और उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके फैमिली की बैकग्राउंड, वो किन किन जगहों पर जाते हैं, उनके शौक क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने क्यों बताया, उनके हमने रेड कॉर्नर नोटिसेस भी दिए हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। यूएस ने डेजिग्नेट करा है, किस तारीख को करा है, उनका जो डेजिग्नेट करा है उसका नंबर क्या है, रेड कॉर्नर नोटिस है तो रेड कॉर्नर नोटिस का नंबर क्या है, वो कब इशू हुआ है, और हमने उनके पासपोर्ट नंबर, उनके एड्रेसेस इसलिए दिए हैं। वो वीडियो हमने हिंदुस्तानियों के लिए बनाया ही नहीं है, हमने वो वीडियो बनाया है पाकिस्तानी आवाम के लिए। अगर आप देखेंगे उस वीडियो को, तो उस वीडियो की शुरुआत जो होती है वो पाकिस्तानियों को एड्रेस करते हुए होती है शुरू, तो पहला वर्ड ही उनके लिए शुरू होता है। तो हमने वो इंडिया या इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाया था, हमने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाया था। दूसरी चीज ये है कि जब आप बात करते हैं कि उससे फायदा क्या होगा, देखिए हमारा उससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा अगर होना है तो कुछ पाकिस्तानियों का फायदा होगा, बिकॉज जो पूरा आर्ग्यूमेंट है या पूरी जो रीजन है उस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि आप जो पाकिस्तानी आवाम है वो ये कहती है कि भाई हम ग्रे लिस्ट में इसलिए हैं बिकॉज हिंदुओं ने साजिश कर दी है, हम बदनाम जमाना इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ साजिश करता है, हम जो है कि हमको अलग अलग जगहों पर जो है हमको आइसोलेट कर दिया गया है दुनिया में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या कोई यूरोपियन पार्लियामेंट हो, वहां पे हमको आइसोलेट किया गया है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू लॉबी है, जो इंडियन लॉबी है, और यहूदियों के साथ मिलकर, इजरायली लॉबी के साथ मिलकर के ये हमको आइसोलेट कर रहे हैं, ये साजिशें कर रहे हैं। तो हमने उनको ये बताया कि देखिए हमें साजिशें करने की जरूरत नहीं है, आप जरा जाके देखें कि ये जो सारे नाम है, जो नंबर है, इनके जो पते हैं, इनके जो रेड कॉर्नर नोटिस है, हमने आपको सीधा ही नंबर दे दिया, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके बहुत सारे साफी दोस्त होंगे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होंगे, वो पता कर ले कि हमने जो नंबर दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर गलत होंगे तो वो एक वीडियो बनाए, आप उनको अपने चैनल पे लेके आए, उनके साथ एक वीडियो बनाए, और वो कहें कि देखिए ये मेजर साहब या डिफेंसिव ऑफेंस या वैभव सिंह, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर उनका पता गलत हो, उनके सीएनआईसी नंबर गलत हो, उनकी रेड कॉर्नर नोटिस के नंबर गलत हो, अगर यूनाइटेड नेशंस ने या यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको डेजिग्नेट ना करा हो एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, या जिस ऑर्डर के तहत करा उस ऑर्डर के तहत ना करा हो, किसी और ऑर्डर के तहत करा हो, मतलब कोई डिस्क्रिपेंसी ही लेके आ जाए हमारे वीडियो में या हमारे जो हमने जो डेटा दिया है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तो गलत ही साबित करते, डिस्क्रिपेंसी भी लेके आ जाए मैं माजरत कर लूंगा, पूरी पाकिस्तानी आवाम से माजरत कर लूंगा। तो बात यही थी, उसका जो पर्पज था उस वीडियो को बनाने का वो यही था कि ताकि पाकिस्तान की आवाम ये जाने कि आपके दुश्मन हम नहीं है, ठीक है, आपके दुश्मन आपकी अपनी रियासत है, आपकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है जो इनको पाल के रखती है, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो जहन्नम बनी हुई है। एक ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे अफगान तालिबान हो, चाहे सिपाही साहबा हो, चाहे लश्कर जांगबी हो, ये जितनी भी अलग अलग दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनकी वजह से आपको मुश्किलें होती हैं। आप जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो आपको दहशतगर्द समझा जाता है, आपके वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी की पैंट उतरवा करके तलाशी ली जाती है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। तो आप एक वजीर आजम जो होता है वो आप एक पूरी आवाम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका चेहरा होता है पूरी दुनिया में, वो रिप्रेजेंट करता है। आज इमरान खान इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, चाहे जो भी हो, है वो वजीर आजम, वो 22 करोड़ आवाम का रिप्रेजेंटेटिव है।
वो कुछ भी बोलता है तो वो मौकफ माना जाता है कि ये 22 करोड़ की आवाम का मौकफ है, ये इमरान खान का जाती मौकफ नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो तंजीमें हैं, इन तंजीमों को किसने पाल के रखा है? अगर इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिसेस भी हैं, इनको डेजिग्नेट भी किया गया, उसके बाद भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है? आप जानती हैं, हम जानते हैं, वो रियासत है। तो अगर रियासत का है तो आप अपनी रियासत को जो है कि मुल्ज़िम ठहराइए इन चीजों का, हिंदुस्तान को, हिंदुओं को, यहूदियों को, साजिशों को। इनके ऊपर बात करना तो ठीक है, ये तो राह फरार इख्तियार करने वाली बात है कि भाई आप नहीं इस चीज को फेस कर सकते तो आपने दूसरे के सर पे मलबा डाला और खुद उससे बरियू जमा हो गए। तो ये पर्पस उसका ये था वीडियो का। लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा कि पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है और आपिस सईद को भी बंद किया गया है और इसी तरह से और लोगों के ऊपर भी पूरी लिस्ट पाकिस्तान ने पब्लिश की थी कुछ अर्से पहले न्यूज़पेपर में, कई लोगों की जिनको बैन कर दिया गया, जिनके ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है? जहां तक हाफिज सईद की बात है तो उनके ऊपर एलिगेशंस है, एक तरह से कोई प्रूफ नहीं दे सके, वरना तो जो है वो यूनाइटेड नेशन या कहीं ना कहीं से पकड़े भी तो जाते ना, यहाँ पे आराम से वो घूम रहे हैं, या अगर अभी बंद कर दिया है तो सबको पता है कि पाकिस्तान में है, तो क्यों नहीं कोई ले जाता यहाँ से, अगर अगर वो बात सच होती जो एलिगेशन है। देखिए, दो तीन चीजें आपने कही है कि हमने ऑपरेशंस को बैन करा है, वो उनको जेल में डाला है। पहली बात है कि हाफिज सईद जेल नहीं गया, वो हाउस अरेस्ट में जाता है। ठीक है, जेल और हाउस अरेस्ट में बहुत अंतर है। हाउस अरेस्ट उसको कहते हैं जहां आज की डेट में महबूबा मुफ्ती हैं। ठीक है, एक 5-स्टार होटल में आप उनको ले गए, आपने उनको रख दिया, उनके पास सारी जो सहूलियतें हैं वो हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ वो कर सकती हैं, वो हाउस अरेस्ट है। तो हाफिज सईद जेल नहीं गया कभी। मेरी आपकी इस मसले पे पहले भी बात हुई थी कि लश्कर ए तैयबा के ही और भी टेररिस्ट थे जो जेल गए थे और जेल में रह के बाप बन गए थे। तो और उस पर आजाद सैयद ने कहा था कि ऐसी जेलें आप जो है हिंदुस्तान में भी इंट्रोड्यूस करें, तो हिंदुस्तान में तो ऐसी जेलें नहीं इंट्रोड्यूस होंगी, कभी नहीं होंगी। ठीक है, बिकॉज एक रिपब्लिक और बनाना रिपब्लिक में यही तो एक बेसिक डिफरेंस है कि अगर जेल में भी बच्चे हो रहे हैं, आप मतलब आप वजीर आजम, आपको बनना नहीं है। एक शख्स जो रावलपिंडी में बैठा है वो डिसाइड कर ले कि कौन वजीर आजम बनेगा, कौन सेहत का वजीर बनेगा, कौन कौन सा वजीर बनेगा, तो ये डिफरेंस रहेगा हमेशा। और जहां तक बात है कि उनके ऊपर कोई चीज प्रूफ नहीं, अगर प्रूफ नहीं हुई तो अमेरिका ने उनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम क्यों रख दिया है? जब आपके यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, आप जाए और उनके सामने प्रोटेस्ट करें, मुजाहरा करें, आप यूएस एम्बेसी से पूछे सवाल कि भाई आपकी हुकूमत ने $10 मिलियन का कैसे इनाम रख दिया, इसके खिलाफ तो कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ आज तक। प्रूफ है, प्रॉब्लम यह है कि वो हम कोई भी प्रूफ देते हैं आपकी अदालतें, और आपकी अदालतों का क्या हाल है, वो जज अरशद मलिक का केस आपके सामने है, नवाज शरीफ साहब ने कल बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करी है, उन्होंने बताया है कि जज को तो निकाल दिया जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया और उसने कबूल किया शराब पीते हुए कि यार वो तो मेरे ऊपर प्रेशर था, मैं वो गलत था बट मुझे करना पड़ा बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने कहा कि नहीं आपको करना है तो मैंने कर दिया। तो उस जज को तो निकाल दिया, लेकिन उसने जो फैसला दिया वो फैसला आज भी बरकरार है। ठीक है, तो आपके यहाँ की जो अदालतें हैं, जो जुडिशरी है, उनकी क्या हालत है? आपके यहाँ क्या जजेस ने, जज शकील सिद्दीकी आई गेस उनका नाम है, जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाकर के उन्होंने बार के सामने तकरीर करी और कहा कि ISI वाले आते हैं और हमारे यहाँ बेंचेस बनवाते हैं, वो मुदाखलत करते हैं, कहे मेरे ऑफिस में जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आए मेरे चैम्बर में और उन्होंने बैठ के मुझसे कहा कि अगर आपने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला ना दिया तो हमारी जो 2 साल की मेहनत है वो खराब हो जाएगी। ये नवाज शरीफ ने कल बताया, जज साहब खुद इस चीज को बार काउंसिल के सामने उन्होंने अपनी स्पीच में बोला हुआ है। तो जहां पे जुडिशरी की ये हालत हो वहां पे आप मतलब आप मुझे बता रही है कि उनके खिलाफ प्रूफ, उनके खिलाफ वहां उस जुडिशरी में तो कभी कुछ प्रूफ नहीं होना है, वो तो नवाज शरीफ को दहशतगर्द डिक्लेयर करा लेंगे वो जुडिशरी का जो हल है, लेकिन वो जकीरुल रहमान लखवी को या हाफिज सईद को या मौलाना मसूद अजहर को वो नहीं करा पाएंगे जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेट करा है। अमेरिका ने भी नहीं करा, अमेरिका को भी आप छोड़ दें कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने करा या किसी ने करा, सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको जो है डेजिग्नेट करा एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। आप कहते कोई प्रूफ नहीं है, तो अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मतलब ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, आप खुद देखिए।
लेकिन अदालतें तो आपकी भी जो है वो एक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है जिसको मौत की सजा दी थी और आपकी अदालत ने कहा था क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड के ऊपर था वो, उसका मुझे अभी एग्जैक्टली नाम मेरे ध्यान से उड़ गया है। उसको आप लोगों ने जो है वो मौत की सजा दी थी और उस पर आपकी अदालत ने कहा था कि जी लोग कह रहे हैं, तो लोगों के कहने से अदालतें कब से फैसला करने लगी दुनिया में। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कह रहे हैं, लोगों के कहने पे यहाँ पे अदालत नहीं फैसला देती। अगर लोगों के कहने पे, अगर लोगों ये रिकॉर्ड लोगों के, देखिए बात सुन, देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जो मस्जिदें हैं, ठीक है, उन उन उनको जो पैसा मिलता है, या जो दरगाहें हैं उन पे जो पैसा चंदा आता है, डोनेशंस आती हैं, उन पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। चर्चेस में जो पैसे आएंगे उन पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। उनका जो बोर्ड बनेगा, जो मैनेजमेंट होता है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। सिमिलरली सिख गुरुद्वारों के साथ भी यही है। हर मजहब में, जितने भी मजहब हैं, किसी भी मजहब की जो रिलीजियस बॉडी है, उसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं, आश्रम हैं, श्राइन्स हैं, वहां पे जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं या मैनेजमेंट बॉडीज होती हैं, उनका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सब के ऊपर जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। अगर वो एक टेम्पल तमिलनाडु में है, अगर उसका साल का 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें अगर 1,000 करोड़ की डोनेशन आ रही है, तो वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करेगी। उसका प्रेसिडेंट कौन होगा उस ट्रस्ट का, उसका सीईओ कौन होगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो अगर पॉपुलर डिमांड पे अगर चीजें होती, तो इतना बड़ा इनजस्टिस हिंदुस्तान में, जहां पे हिंदू मेजोरिटी है, वहां पे ना होता ये इनजस्टिस, बट इंडिया में हो रहा है। लेकिन एक चीज और है कि आपके यहाँ की एक रिपोर्ट है जो मैंने देखी थी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है बेसिकली। उन्होंने कहा कि इंडिया के तकरीबन 44 बैंक्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंसिंग में, और 1.5 अरब के करीब उसमें उन्होंने बताई थी कितनी रकम यूज हुई है, और आईपीएल को भी कहते हैं कि उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये आपके यहाँ पाकिस्तानी न्यूज़ है, द न्यूज़ का ये आर्टिकल है, ठीक है। इसकी इसका क्या सोर्स है, ठीक है, इन्होंने डेटा कहाँ से फेच किया है, डॉक्यूमेंट कब इश्यू हुआ है, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो कहाँ है, उन्होंने कुछ भी पब्लिक नहीं किया है अपनी वेबसाइट के उस आर्टिकल में, ठीक है। एक शख्स ने वो आर्टिकल लिख दिया। देखिए, जब भी आप इस तरह की, ये तो मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ है कि अगर ये एक्चुअली न्यूज़ होती, तो सबसे पहले तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और इनके फ्रंट पेज पे छपी होती है कि भाई इंडिया जैसी इकोनॉमी के, ठीक है, 43 बैंक्स जो है टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। मतलब ये कितनी बड़ी न्यूज थी, मतलब दुनिया में, मतलब होता ना कि वो भूकंप आ जाना था इससे। लेकिन ये छपी कहाँ है, ये द न्यूज के, पाकिस्तानी एक न्यूज वेबसाइट है द न्यूज, उसने, उसके एक रिपोर्टर ने छाप दी। उसने ना ये दिया है कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट कौन है, ना उस डॉक्यूमेंट की कॉपी, बिकॉज कभी भी आप इस तरह की न्यूज देते हैं तो जो प्रेस रिलीज होता है, अगर वो स्टेट डिपार्टमेंट का है, तो स्टेट डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज होता है, उसकी कॉपी लगाई जाती है, ठीक है, फॉर ऑथेंटिसिटी। या उसपे आप रेफरेंस देते हैं कि हमने ये न्यूज इस फला फला वेबसाइट से, स्टेट डिपार्टमेंट के यहाँ यहाँ से हमने सोर्स करी है, उसका ये लिंक है। इसमें कुछ भी नहीं है, दीवाने का ख्वाब है, ख्वाहिशात है कि इंडिया ऐसा ऐसा कर रहा है। वो ये बेसिकली आईडब्ल्यू है कि आपने एक फेक न्यूज फेंक दी, ठीक है, अब वो फेक न्यूज फेंक दी, अब पाकिस्तानी घुमा रहे हैं उसको अपने आप पाकिस्तान के अंदर। उसका इफेक्ट दुनिया में कहीं नहीं होना, लेकिन एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आपने उसको दे दिया है। आप मुझे बताएं, इसके ऊपर दुनिया में कहीं किसी बीबीसी ने, अल जजीरा ने, खलीज टाइम्स ने, सीएनएन ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, दुनिया के किसी भी ग्लोबल लेवल के मतलब मीडिया हाउस ने एक सिंगल रिपोर्ट दी हो तो आप मुझे बताएं, किसी ने बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये द न्यूज वालों ने एक निकाल के पता नहीं कहां से लगाई। मैं हंस रहा था, देख रहा था, और उसके ऊपर उन्होंने गौरव वाले की फोटो भी लगा रखी है। मैंने कहा ये मतलब अब इतना, इससे ज्यादा क्या हुआ कि आप एक इंडिया, मतलब एक कंट्री को आप फ्रेम कर रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग में, और उसके ऊपर आप फोटो लगा रहे हैं गौरव आर्या की, तो ये सब मजाक का खेस क्या हो सकता है? ज्यादा जाएगा।
लेकिन अगर ये गलत है तो फिर आपके यहाँ से किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ, ये तो एक तरह की एलिगेशन है, जैसे पाकिस्तान का मिस। न्यूज़, द न्यूज़ कौन पढ़ता है आपके पाकिस्तान में? कितने लोग पढ़ते हैं द न्यूज़? आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान की छोड़ दें, हिंदुस्तान में कौन पढ़ता होगा? नहीं पढ़ता होगा। हिंदुस्तान में 300-400 न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, दर्जनों के हिसाब से, मतलब कई सौ पब्लिकेशन है, न्यूज पेपर्स, ऑनलाइन पोर्टल, मतलब वो सैकड़ों में नहीं, हजारों में चली जाएंगी। आपको लगता है कि इन सबके बीच में वो जाएंगे और द न्यूज का एक आर्टिकल जिसमें गौरव वर्मा की फोटो लगी होगी और ये बताया होगा कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो अपने 43 बैंकों को यूज कर रही है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, और उस पे आकर के वजाहत जो है वो फॉरेन ऑफिस ने देनी है? मतलब ये तो मतलब ठीक है, आप चाह सकती हैं या फिर ख्वाहिश हो सकती है, बट ये होगा नहीं कभी। क्या पता वो कल को डॉक्यूमेंट्स भी लगा देंगे। चले ठीक है, डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो आप मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं सवाल का जवाब भी दे दूंगा आपको। सही, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाइना के साथ क्या चल रहा है आपका, क्योंकि वो भी एक आर्टिकल आया था और आपने भी जरूर देखा होगा कि चाइना जो है वो नवंबर में इंडिया पे फिर फुली अटैक करने की सोच रहा है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ तक ठीक है बात, लेकिन बहरहाल वो एक रिपोर्ट ये भी आई है और चाइना पीछे नहीं हट रहा। आप लोग जरूर दावे कर रहे हैं कि नहीं, हमने चाइना को हैंडल कर लिया है, ये है वो है, लेकिन चाइना आपके काबू में नहीं आ रहा। देखिए, मुझे नहीं पता आपसे किसने ये चीज कही है कि हमने चाइना को हैंडल कर लिया है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं नहीं देखिए, मैं किसी चैनल पे बैठ के कोई जर्नलिस्ट क्या बोलता है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं इस पर जाऊंगा कि जो हुकूमत है वो क्या कह रही है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS वो क्या कह रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो क्या कह रही है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मेरे ख्याल से कल या परसों उन्होंने बोला कि 1959 की जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो हमारा परसेप्शन है, इंडिया जो है उसको तस्लीम करे और उसके उससे पीछे हटे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया कि भाई हम उसको तस्लीम नहीं करते। 1959 की जो इन्होंने लाइन बोली है, उन्होंने कहा कि ना हमें तब तस्लीम किया था उसको, ना हम आज मानते हैं, हम जहां थे हम वहां रहेंगे, ठीक है, और अगर चाइना कोई मिसएडवेंचर करता है तो वी विल टेक केयर ऑफ इट। हमने ये कह दिया कि हम नहीं हटेंगे पीछे। अगर आपको डीएस्केलेट करना है तो इंडिया ने ये, इंडिया का स्टांस पहले भी था आज भी है कि सबसे पहले चाइना डीएस्केलेट करे, चाइना पीछे जाए। चाइना पीछे जाएगा जो स्टेटस को था पहले, वहां पे अगर वो जाएगा तब हम वहां से, जहां पे हम आज हैं हम वहां से हटेंगे और हम भी वहां जाएंगे जहां हम पहले थे। तो स्टेटस को मेंटेन तभी होगा, लेकिन प्री कंडीशन है कि चाइना पहले विड्रॉ करेगा। चाइना ने नहीं विड्रॉ किया तो हम भी नहीं विड्रॉ कर रहे हैं। हमने तो अभी कल 3 मिसाइलें और वहां पे इंस्टॉल कर दी। हमने ब्रह्मोस भी ले गए, हम निर्भय भी ले गए, और आकाश मिसाइल सिस्टम जो सरफेस टू एयर मिसाइल थे हमने वो भी डिप्लॉय कर दी है वहां पे। तो हम तो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं वहां पे। हम अपनी जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो या हमारी जो मैन पावर है, हम उन सब की जो नफरी है हमको इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो डी एस्केलेशन नहीं, हमारी तरफ से तो एस्केलेशन ही हो रहा है। अब ये चाइना को सोचना है कि उसको जंग करनी है या उसको मुजाकरात करने हैं। बिकॉज चाइना को अगर ये लग रहा है, देखिए चाइना ने गलती कहाँ करी है, चाइना अपने ही ट्रैप में फंस गया है। चाइना ने एक्चुअली ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना ज्यादा टफ स्टांस आएगा इंडिया की तरफ से। बिकॉज दे थॉट कि हम शायद 1962 की तरह से हम आएंगे और जो है कि हमारे हम नंबर ज्यादा होंगे, हमारे हमारी फोर्सेस ज्यादा होगी और हम इंडिया को सप्रेस कर ले जाएंगे। जबकि ये इंडिया चेंज हो चुका है, तब से गंगा में बहुत पानी गुजर गया। तो अब इंडिया ने क्या कहा है कि ठीक है आप आएंगे तो फिर हम भी आएंगे, आप वहाँ 100 सोल्जर्स डिप्लॉय करेंगे, हम 200 करेंगे, आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, हम वहाँ पे सीधे हम अपने सुखोई हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो इंडिया ने हमेशा एक स्टेप आगे की डिप्लॉयमेंट करी है अभी तक के कॉन्फ्लिक्ट में। तो चाइना इज नाउ स्टक, और इसकी वजह से जो शी जिनपिंग है, उनकी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके अंदर बहुत किरकिरी भी हो रही है कि भाई आपने कितने सारे फ्रंट्स खोल लिए हैं। आपने साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ फ्रंट खोला हुआ है, आपने साउथ चाइना सी में जो बाकी कंट्रीज हैं, ब्रुनेई हुआ, नेपाल, ये आपका वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, आपने सबके साथ फटे ले रखे हैं। एक आपका फ्रंट था जो कि शांत था अभी तक इंडिया के साथ, आपने वो भी खोला तो कहाँ, लद्दाख में जाके। मतलब एक साउथ चाइना सी में खोला हुआ है आपने, आपने एक लद्दाख में एकदम नॉर्थ में जाके खोल लिया है।
ठीक है, तो आपने अपने आप को कितना स्ट्रेच कर दिया, और आपने आप उलझे भी किन से हैं, अमेरिका से उलझे हैं, इंडिया से उलझे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बाकी की जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जापान जैसी, आप उनसे जाके उलझ गए हैं। तो ये ट्रैप में चाइना खुद फंस गया है। अब उसको एक एस्केप रूट चाहिए। अब वो एस्केप रूट इंडिया देने को तैयार नहीं है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और आपने आपको शायद नहीं पता होगा, अभी दो दिन पहले इंडिया और जापान की नेवी ने अपने मैरिटाइम एक्सरसाइजेस भी किए हैं इंडियन ओशन में। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो चाइना को दिए जा रहे हैं। चाइना उससे बहुत रैटल्ड है, क्योंकि एक अलाइनमेंट आज से, अगर आप 7-8 साल पहले अगर आप पूछते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कि भाई आप में से किन को चाइना से जंग लड़नी है, उनमें से आपको शायद 15-20% वही जापान, साउथ कोरिया और यही दो कंट्रीज मिलती जो कहती कि नहीं हमें लड़ना है, बाकी कोई नहीं कहता ब्रुनेई वगैरह की, नहीं हमें चाइना से लड़ना है। आज की डेट में आप पूछें तो चाइना के नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज हैं, आप उनसे पूछे भाई आपको किसको लड़ना है चाइना से, तो सब सारे खड़े जाएंगे, हाँ हमको भी लड़ना है, क्योंकि शी ने सबसे पंगे ले लिए। तो नाउ ही स्टक, और वो एस्केप रूट उसको इंडिया से नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत वाजे कर दिया है अभी तक के अपने एक्शन से, वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से जो हमने डिप्लॉयमेंट्स करी हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, हमने ये जो डिप्लॉयमेंट्स चाइना के साथ करी हैं, ये निर्भय और ब्रह्मोस और ये हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं कर रखी, ठीक है। तो पाकिस्तानियों को लगता है ना कि एक सारी चीजें हमारे लिए बनती है हिंदुस्तान में, सब हमारे ही खिलाफ यूज होंगी, सब हमारे ही खिलाफ यूज करने के लिए बनी, ऐसा नहीं है। ये मिसाइलें वो है जो हमने चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करी, आपके खिलाफ कश्मीर में नहीं डिप्लॉय करी। लेकिन आप जैसे चाइना को कह रहे हैं उसने हर किसी से पंगे ले रखे, तो वो तो आप लोगों ने भी लिए हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है, नेपाल के साथ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो पाकिस्तान के साथ भी अभी जबकि आप चाइना के साथ इतना बिजी है, चाइना ने आपको मुस्तकिल बिजी रखा हुआ है, लेकिन तब भी LOC के ऊपर वायलेशन होती रहती है, LOC के ऊपर स्टेटमेंट आती रहती है और हर वक्त किसी किस्म की बात होती रहती है, चाहे वो मीडिया आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो चाहे सोशल मीडिया पर हो, हर वक्त पाकिस्तान को धमकियां, हर वक्त ये कहना कि जी बस ये खत्म हो रहा है और वो खत्म हो रहा है। तो आप लोगों को लगता नहीं कि अब टाइम आ गया है, बहुत जैसे आप कहते हैं बहुत साल गुजर गए वाकई में, कि अब हमें बैठ के और कोई कश्मीर का हल निकाल लेना चाहिए, कोई सोल्यूशन होना चाहिए, श्रीलंका से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मालदीव से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, नेपाल से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। नेपाल से तो ये तो एक वहां पे एक गवर्नमेंट आई है PM ओली की, जो की एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है अगर वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जैसे कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आती है, तो वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है ISI है, वो उनके कहने पे उनके इशारों पे चलते हैं वो। तो वही सेम चीज है कि अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नेपाल में आई है, तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके साथ वो अलाइंड होगी और वो जबरदस्ती के वो कुछ न कुछ इस तरह की चीजें करेंगे जिससे रिलेशन खराब हो। बट जो अगर आप देखें तो जो कंट्री टू कंट्री जो रिलेशन है, पीपल टू पीपल रिलेशन, वो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज जितनी भी अब इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स है, गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, इट इज प्योर नेपालीज रेजिमेंट। आप चले जाए, आप देखें नेपाल के अंदर जितने हिंदुस्तानी काम करते हैं या जितने नेपाली हिंदुस्तान में काम करते हैं, हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं US और कनाडा की तरह, हमारे यहाँ कोई भी अगर कोई भी नेपाली सिटीजन है तो हिंदुस्तान में आके नौकरी कर सकता है, जॉब कर सकता है, वो सब कुछ कर वोट डाल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो इंडिया में नहीं कर सकता। तो रिलेशन जो है हमारे वो इतने अच्छे हैं कि वो एक PM ओली के खराब करने से खराब नहीं होने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश तो बनाई ही हमने, ठीक है, तो उनसे हमारे रिलेशन क्यों खराब होंगे, और उनके साथ हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट था कुछ गाँव का, तो इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज करा, इंडिया ने जितने गाँव बांग्लादेश क्लेम कर रहा था आज तक, मोदी साहब बांग्लादेश गए, उन्होंने कहा आपको जितने गाँव चाहिए आप ले लीजिए, एंड लेट अस सेटल दिस। तो इंडिया ने वो डिस्प्यूट ही खत्म कर दिया, और उन्हें जो 25-30 या 32 गांव इंडिया ने लिए जो इंडिया क्लेम कर रहा था, और 70-72 गांव बांग्लादेश को दिए जो इंडिया में थे, कि अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं आप ले जाइए। तो इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया और इंडिया ने वो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर दिया बांग्लादेश के साथ। म्यांमार के साथ हमारा कोई इशू नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, तो हमारा किसी के साथ नहीं झगड़ा है, इवन चाइना के साथ भी पिछले 25-30-40 साल से हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा था।
उनका एक परसेप्शन था, हमारा एक परसेप्शन था। लड़ाई हुई है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसका सबसे बड़ा रीजन है जो इस्लामिक जिहाद जो कश्मीर में छेड़ा गया। और पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कभी भी कोई जंग नहीं शुरू करी, ठीक है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ थे, मेरे ख्याल उनका नाम असगर खान साहब था, असगर खान साहब का आप इंटरव्यू देख लें, उन्होंने खुद कहा है कि 1965 हो, 1948 हो, 1971 हो, उन्होंने कहा कि ये जितनी भी जंगें हुई हैं सारी की सारी हमने शुरू करी हैं, पाकिस्तान ने शुरू करी है। वो आपके एयरफोर्स चीफ थे, ठीक है, और वो 1965 और 71 के टाइम पे भी थे। तो ये चीज उन्होंने खुद कबूल करी है। आपके पाकिस्तान मिलिट्री की जितने भी हिस्टोरियंस हैं, आप उनकी किताबें पढ़ें, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से मिस एडवेंचर्स। जैसे कारगिल देख लें, कारगिल किसने किया था? क्या मुशर्रफ ने अपनी खुद की किताब में ये चीज नहीं लिखी कि भाई मैंने मीटिंग करी और मैंने कहा कि भाई हम NH1 ये काट देंगे और उसके बाद सियाचिन को ब्लॉक कर देंगे और हम इससे कब्जा कर लेंगे। तो जितने भी इस तरह की जंगें हुई सारी पाकिस्तान ने शुरू करी, और खुद पाकिस्तानियों ने ये तस्लीम कराया, जिन्होंने वो जंगें करी है उन्होंने तस्लीम कराया। आप लोग हैं, आप लोग उनके मुंह पे हाथ रखते हैं कि नहीं नहीं आपने नहीं कराया, हम बताएंगे कि किसने कराया, ये हिंदुस्तान ने कराया। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ है, कई लोगों ने कहा है हमारे भी कि जंग हम ही ने शुरू की, कई लोगों ने नहीं कहा है, जिन्होंने वो जंगे, जिन्होंने वो जंगे लड़ी है उन्होंने लिखा है। बिल्कुल सही, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आप लोग इतना चुरा देंगे, इतना प्रोक कर देंगे अगले को कि वो कहेंगे कि चलो ये चीज तो होती है ना। अब बताइए, अब आपको तहम्मुल भी क्या हिंदुस्तान ने सिखाना है कि अगर हम आपको प्रोवोक करें तो आप प्रोवोक ना हो? अब मतलब बर्दाश्त और तहम्मुल भी क्या अब हिंदुस्तानियों ने सिखाना आगे पाकिस्तानियों को? आप कुरान पढ़ लें, कुरान में लिखा होगा कि भाई आपको सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आप और आपने तो रियासत मदीना बना रखी है, अगर रियासत मदीना में भी अगर आपको कुरान पे आप नहीं चल रहे हैं तो फिर तो ये मतलब बहुत तश्वीशनाक बात है, ये इस पे तो आप लोग को सोचना चाहिए। नहीं तो कोई कब तक, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा किसी को प्रोवोक करेंगे, बहुत ज्यादा तंग करेंगे तो एक लिमिट होगी ना रहे की बर्दाश्त की। तो हो सकता है कि उस वक्त 71 में या 65 में जब भी कोई किसी किस्म की वॉर हुई है तो हो सकता है आपकी तरफ से इतना ज्यादा तंग किया गया हो कि उसमें पाकिस्तान को इस तरह का रिएक्शन आया कि हमें कमजोर ना समझे या हमें ये ना समझे कि दबा लेंगे। देखिये इसमें मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आप मियां साहब की जो तकरीर है कल की आप वो देख लें, उन्होंने मियां साहब ने क्या कहा है। मियां साहब ने नहीं बताया आपको कि हम अंग्रेजों की गुलामी से निकल के अपनों की गुलामी में आ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पार्लियामेंट है आपकी जो अदालतें हैं वो कोई और चला रहा है। कहां से लोग आते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं और वो ये बताते हैं कि आज इस बिल पे डिस्कशन होगा, आज ये बिल पास होगा, आज फला शख्स वोट डालेगा, आज फला शख्स वोट नहीं डालेगा। आप जो है फला फला पार्टी के लोग, आप लोग घर चले जाएं, आप एब्सकॉन्ड कर जाएं, आप नहीं आज पार्लियामेंट में जा सकते, ठीक है। तो आप ये आपके मुल्क का निजाम है। मियां साहब ने ये नहीं कहा कि ISI चीफ जहीरुल इस्लाम बाबर ने उनको क्या कहा था कि मियां साहब आप रिजाइन कर दें वरना हो जाएगा और अगर आपने नहीं करा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, 2014 में। तो आप देखे, मैं ये कह रहा हूं कि आपके मुल्क का निजाम है, आप अपने यहाँ पे सारी डिस्टरबेंस खुद क्रिएट करते हैं, आपकी रियासत क्रिएट करती है, और जब वो डिस्टरबेंस जब उनसे नहीं संभाली जाती, जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तो वो कोई एक फ्रंट इंडिया के साथ खोल देते हैं डाइवर्जन के लिए। जैसे नवाज शरीफ को हटाना था, नवाज शरीफ को हटा नहीं सकते थे, कारगिल का मिस एडवेंचर किया, वहां पे लेने के देने जब पड़े तो आपने पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपने कू कर दिया, ठीक है, नवाज शरीफ के खिलाफ। तो वो सारा वो फिर कारगिल से पूरा मसला हट करके लोकल ऑडियंस का वो चला गया नवाज शरीफ के मुशर्रफ के कू और नवाज शरीफ के एग्जाइल के ऊपर। तो ये आपकी रियासत करती रही है, तो आप ये ना कहें कि हम उसको प्रवोक करते हैं, वो खुद मिस एडवेंचर्स करते हैं, डोमेस्टिकली करते हैं अपने यहाँ, और उनको छुपाने के लिए, पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फिर उन्हें ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ये कि कोई टेररिस्ट अटैक करा दो इंडिया में, पठानकोट में कुछ करा दो। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान चले आए मियां साहब के यहाँ पे, उनके यहाँ शादी में कहा मतलब रायबंद चले गए। अरे अब क्या किया जाए, अभी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, भेज दो किसी को पठानकोट भेज दो, ठीक है। आपने चार पकड़ के पठानकोट भेज दिए, वो सारी चीजें डिरेल हो जाती है।
आपकी रियासत ने कब ये चीजें नहीं करी हैं, वो यही करते हैं। लेकिन मियां साहब भी खैर अभी मियां साहब उनके बाहर हैं तो उस वक्त बोल रहे हैं, जब यहाँ थे तब तो उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। अच्छा तो अगर वहां थे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की तो डॉन लीक्स क्या था, आप मुझे बताएं डॉन लीक्स के वक्त वो कहाँ थे? हाँ सिरिल अल्मीडा को क्या उन्होंने नहीं बोला कि 26/11 का जो हमला हुआ बॉम्बे में, क्या उन्होंने इस चीज को तस्लीम नहीं किया कि वो जो हमलावर थे वो पाकिस्तान से गए थे? उन्होंने ये चीज नहीं कही थी कि क्या हमारी हमारे रियासती इदारों को उनको जाने देना चाहिए था? उन्होंने यही सवाल उठाया था ना डॉन लीक्स में, और क्या उठाया था उन्होंने? ये नहीं कहा था कि जो मुदाखलत कर रहे हैं ये सियासत में उसके क्या उसका आउटकम क्या आने वाला है? इनकी वजह से हमें FATF में कितनी प्रॉब्लम होती है, इनकी इन पॉलिसीज की वजह से, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को पालने की वजह से, और हम किसी तंजीम को बैन, अगर हम NTCI ऑर्गेनाइजेशन है अहले सुन्नत वल जमात, हम उसका ऑफिस बंद कराते हैं और अगले दिन ये चार बंदे भेज देते हैं, वो जाकर उस ऑफिस को खुलवा के चले आते हैं। अब भाई एक SHO की तो हैसियत नहीं ना है कि वो किसी मेजर के सामने खड़ा होकर के उससे बहस कर लेगा। ठीक, एक ऐसा तो वो भाई एक सियासतदान जो है वो एक पुलिस वाले को ही तो भेज के बंद करा सकता है ना, उसके पास तो पुलिस फोर्स ही है। तो उन्होंने यही सारी बातें डॉन लीक्स में करी थी। उन्होंने डॉन लीक्स में ये जो बातें उन्होंने कल तकरीर में करी हैं उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं थी जो उन्होंने डॉन लीक्स में नहीं करी थी। वोट को इज्जत दो क्या है भाई? वोट को इज्जत दो वही है कि भाई आप अगर हमको पब्लिक ने इलेक्ट करा है, आप इलेक्शन रिग कर देते हैं, आप इलेक्शन रिक करके कहते हैं कि नहीं भाई आप हुकूमत नहीं करेंगे, हुकूमत वो करेगा जिसको हम चाहते हैं, जो पपेट होगा, जो रबर स्टैंप होगा, जहां हम बोलेंगे वो वहां पे स्टैंप मारेगा। तो वो इमरान खान रबर स्टैंप आ गया, और उस रबर स्टैंप ने आपके मुल्क का क्या हाल करा है वो अब मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। अभी मेरे दोस्त है वो उनका उनसे मेरी बात हो रही थी, वो साफी है इस्लामाबाद में, उन्होंने बताया मुझे कि हालत ये है कि जो जिन लोगों की जो एक महीने की आमदन जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए भी है, जो आज से चार साल पहले 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे और बहुत आराम से रह रहे थे इस्लामाबाद में, आज की डेट में वो 1-1.5 लाख रुपए में नहीं रह पा रहे, क्योंकि जो चीनी 45-50 रुपए किलो हुआ करती थी आज 104 रुपए किलो है, जो बिजली के बिल 2,000-2,500 आया करते थे वो आज की डेट में 8,000-10,000 आ रहे हैं। तो महंगाई का जो आलम है आपके यहाँ पे, इन्फ्लेशन, वो पूरा मिसमैनेजमेंट की वजह से। अगर आपने बिकॉज इकोनॉमी चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इट इज अ प्योर साइंस, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज ऑर्डिनरी साइंस कि भाई ठीक है आप कुछ फॉर्मूलाज होते हैं आप उनके ऊपर काम करते हैं, आपकी जो पॉलिसीज होती है आप उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं, आपका मुल्क चलता है। अगर इस नाहल आदमी से, पागल आदमी से अगर वो भी नहीं हो पा रहा, ये नाहल और पागल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मियाँ साहब ने कहा था, ठीक है, तो मियाँ साहब ने कहा कि पागल आदमी है, तो अगर वो उतना भी नहीं कर पा रहा है तो फिर आप मुझे बताएं, अगर वो 7 बजे के बाद जो भी लेता होगा लेकर के टाइट है तो फिर ठीक है, आपका मुल्क है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। नहीं तो आप मतलब भारत में सब लोग बहुत मजे में रह रहे हैं, भारत में सब बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स नहीं है, हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान की फौज की वजह से नहीं है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स उन लोगों की वजह से हैं जिन लोगों को खुद आम आवाम ने इलेक्ट करके भेजा है, वो चाहे लोकल लेवल पे हो, बिकॉज इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, इंडिया में सरपंच के पास भी, एक गांव का जो सरपंच है उसके पास भी जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, उसके पास भी अपनी फाइनेंशियल पावर्स हैं, उसको भी साल में 25-50 लाख रुपए मिलते हैं अपने गांव में, अगर उसको कहीं नल लगवाना है, कोई सड़क बनवानी है, कोई गली बनवानी है तो सरपंच के पास उसका भी पैसा आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, SDMs हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, ये तो आपका ब्यूरोक्रेसी हो गई। फिर उसके बाद आप देख लो सरपंच है और जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के मेंबर होते हैं, फिर उसके बाद ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने हो गए, फिर उसके बाद आपके स्टेट लेवल पे है, फिर सेंट्रल लेवल पे है, तो हमारे जो डिसेंट्रलाइजेशन है डेमोक्रेसी का वो बहुत वाइड है, तो लोग ही इलेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके यहाँ पे क्या है कि आपने एक पिंडी में बैठे हुए शख्स ने बोला कि नहीं ये बंदा वजीर आजम बनेगा, ये मुल्क को चलाएगा, जबकि चलाना उसने भी नहीं है, चलाना उन्होंने ही है जो उनको लेके आए हैं, पॉलिसीज उनको ही बनानी है,
एक फौजी की ट्रेनिंग नहीं होती है, उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, उसकी ट्रेनिंग मुल्क चलाने की नहीं होती है, उसकी उसकी ट्रेनिंग ब्रिगेड चलाने की, कंपनीज चलाने की, और इनकी चलाने की, ये चलाने की, गन चलाने की और टैंक चलाने की होती है। उनको नहीं पता कि पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक डीलिंग क्या चीज होती है। इसीलिए पब्लिक डीलिंग का काम हमेशा पुलिस को दिया जाता है, राइट मैनेजमेंट कभी फौज को दिया जाता है? आपने कभी देखा है इंडिया में, कश्मीर में कभी भी फौज को सिविलियन एरियाज में नहीं भेजते? आज तक कभी नहीं भेजा है। सीआरपीएफ जाती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस जाती है, जेएनके पुलिस। इंडियन आर्मी कभी भी सिविलियन एरियाज में नहीं जाती, वो सिर्फ तब जाती है जब उससे कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करना होता है, पता चलता है किसी घर में एक टेररिस्ट है, तो अपने कंटोनमेंट में से निकलते हैं, उस एरिया में जाते हैं, वहां पे भी सबसे पहले वो नहीं जाते, पहले जेएनके पुलिस जाती है। जेएनके पुलिस जाती है, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है, मेक श्योर करती है कि बाकी जो सिविलियंस है अपने घरों के अंदर है, कोई बाहर नहीं है, ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। जब वो ग्रीन सिग्नल दे रहे थे कि हाँ सब कुछ ठीक है, तब फौज जाती है, ऑपरेशन करती है, और फिर वापस अपनी गाड़ियों में बैठती है, बॉडी लेती है और चली जाती है वहां से अपनी कंटोनमेंट्स में, फिर वो सिविलियन एरियाज में दोबारा नहीं आती। लेकिन आपने अभी जो दो तीन पहले, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ दिन पहले ही जो जनरल बाजवा है, उन्होंने, कमर बाजवा, उन्होंने कहा कि जी जो आर्मी है उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट आई थी। और दूसरी, दो दिन पहले, एक दिन पहले जो है वो नदीम मलिक साहब के साथ इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ है, वो आपने हो सकता है देखा हो, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि आर्मी उनके अंडर है, वो आर्मी के अंडर नहीं है, और अगर कातिल जैसा कुछ हुआ होता, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अटैक हो गया, और उनके टाइम में हुआ होता तो वो कह रहे थे कि मैं तो सैक कर देता उस वक्त के जो भी चीफ होते। तो आपको अभी भी यही लग रहा है जब वो टीवी पर आके इमरान खान साहब इतना साफ साफ बता रहे हैं कि वो कितने पावरफुल है, अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा? एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा को तो सैक करने की हैसियत है नहीं इनकी, ठीक है, जिसके ऊपर ये चीजें एस्टैब्लिश हो चुकी हैं कि उसके कितने पिज्जा स्टोर्स हैं दुनिया भर में, उसके कितने रियल स्टेट के बिजनेसेस हैं, मतलब इतना अरबों की प्रॉपर्टी है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। उसने रेजिग्नेशन दिया कि साहब आप मेरा रेजिग्नेशन ले लें, वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है इनकी, और ये बता रहे कि मैं सर्विंग आर्मी चीफ को सैक कर देता अगर मैं होता तो, ठीक है। तो अब आप छोड़ देना ये बातें, आप, मैं बातों पे बिलीव नहीं करता, मैं एक्शन से बिलीव करता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं ना कॉल और फेल में डिफरेंस, आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें तजाद कितना बड़ा है आप देखें। आसिम बाजवा के ऊपर इन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना छोड़ दीजिए, कोई एक इंक्वायरी बिठाई हो, शैम इंक्वायरी बिठा दी हो, जो खुद की बनाई हुई एक शैम इंक्वायरी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, वो तक करने की हिम्मत नहीं है। इमरान खान साहब ने कोई इंक्वायरी कराई थी? अगर कराई थी तो इंक्वायरी में कौन ऑफिसर्स थे, कितने लोगों की टीम थी जिन्होंने ये इंक्वायरी करी थी? इमरान खान साहब स्पोक्स पर्सन बने हुए आसिम सलीम बाजवा के, आप बाजवा जवाब नहीं दे रहा, इमरान खान साहब उसके बिहाफ पे जवाब देते फिर रहे। ये तो आसिम सलीम बाजवा को आना चाहिए था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बैठते पूछे, हाँ भाई आप सवाल पूछे, आजू जी आप सवाल पूछे, मैं बताता हूँ मेरे पास प्रॉपर्टी कहाँ से। शाहजेब खान दादा के साथ गलती से फोन पे आ गए थे, बीच में फोन काट के भाग गए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपके यहाँ, तो इमरान खान साहब जो कहते हैं वो एग्जाम्पल दे दिया कि वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं सैक कर पा रहे, वो बोल रहे हैं मैं होता तो बाजवा को भी सैक कर देता और मुशर्रफ को भी सैक कर देता। मुशर्रफ से, मुशर्रफ के साथ ये इंसान मुशर्रफ के साथ कोलिशन में था, और आपको पता होगा जब गवर्नमेंट थी, और मुशर्रफ के साथ अलग किस बात पे हुआ था कि इसने 6 सीटें पहले मांगी थी इलेक्शन में, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है, इसने इमरान खान ने मुझसे 6 सीटें मांगी, मैंने इसको बोला कि तुम 12 सीटें ले लो, मैं इसको जस्ट डबल सीटें दी, ठीक है। फिर इसकी एक बाहर गया, इसने कहां से क्या हुआ, फिर कुछ दिनों बाद मेरे पास आया, फिर मैं तो कहता मेरे 100 सीटें चाहिए, तो मैंने कहा यार मैं तुम 6 सीटें मांग रहे थे, मैंने 12 दी, तुम सीधे 100 जा रहे हो, 10 गुना ज्यादा। कहते नहीं मेरी इतनी पब्लिक अपील है, मैं 100 सीटें जीत सकता हूं, तो मुझे 100 सीटें चाहिए, तो मैंने इसको दफा कर दिया, मैंने कहा कि दफा हो जाओ यहां से, तो मैंने इसको नहीं दी सीटें, और इस वजह से ये छोड़ के अलग हुआ, बिकॉज मैंने इसको सीटें नहीं दी 100।
और इमरान खान साहब कहते क्या है कि मैं मुशर्रफ के खिलाफ लड़ा हूं, मैं मुशर्रफ की आमरियत के खिलाफ लड़ा हूं, ठीक है, पाकिस्तानियों। तो इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि जो यूटर्न न ले वो तो सियासतदान ही नहीं है। तो वो जो कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता सच कब बोलते हैं, बिकॉज मैंने तो झूठ बोलते हुए सुना है उन्हें आज तक। नहीं, कभी कभी बोलते हैं, लेकिन मुझे मैं अभी इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, मैं दोबारा आपसे एक जो हम पहले बात कर चुके हैं उधर जाना चाहूंगी, कि वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, वो अफजल गुरु नाम था जो आपकी कोर्ट ने कहा कि जी पब्लिक डिमांड पे जो है उसको सजा दी गई, और बल्कि बॉडी भी शायद फैमिली को नहीं दी आप लोगों ने, और तहाड़ जेल तो ये वहां पर भी दफन किया गया है। तो ये चीज जो आप बार बार पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान की कोर्ट से कर रहे, तो आपकी कोर्ट क्या कर रही है? देखिए अफजल गुरु की आपने जो बात कही, ये इंडिया में जो एक लेफ्ट विंग मीडिया है ना, वो बहुत सिलेक्टिवली ना एक जजमेंट है। जजमेंट में पूरी तरीके से ये एस्टैब्लिश किया गया कि अफजल गुरु का रोल क्या था पार्लियामेंट अटैक्स में, वो टेररिस्ट को उसने कैसे फैसिलिटेट करा, उनको कैसे आर्म्स दिए, कैसे अपने घर में रखा, कैसे उनको भेजा, लॉजिस्टिकल सर्विसेज उसको प्रोवाइड करी, गाड़ी का अरेंजमेंट किया, सब कुछ उस जजमेंट में था। उस जजमेंट में एक लाइन ये भी थी कि एंड ऑल्सो पब्लिक परसेप्शन इज ऑल्सो, ठीक है, तो वो एक रेफरेंस है उस पूरे जजमेंट में, कई पेजेस का जजमेंट है वो। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं वो मतलब कई सारे मतलब दर्जनों पेजेस में मुफीद होते हैं, तो उनमें से एक लाइन को इन्होंने पिक कर लिया लेफ्ट विंग ने और उसको इन्होंने प्रोपेगेट करना चालू किया। तो मेन चीज वो है कि उन्होंने जज ने एक उस जबनी उतनी पेजेस की जजमेंट में एक रेफरेंस में ये लिखा था, एंड ऑल्सो द पब्लिक परसेप्शन इज दैट दिस मैन इज द कन्विक्ट, ठीक है, तो वो रेफरेंस देते हुए उन्होंने लिखा था। वो जजमेंट एज अ उसको वो जजमेंट का बेसिक नहीं बेसिस नहीं था, वो जजमेंट की रीजनिंग नहीं थी, वो एक रिमार्क था। रिमार्क में और ऑब्जर्वेशन में और जो प्रूफ होते हैं जो रीजनिंग होती है, इन सब में बड़ा डिफरेंस होता है। एक चीज और मैंने पढ़ा था, बल्कि ये मैं चेक भी कर रही थी ट्विटर पे, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2014 से 2000 अभी तक 2020 तक या शायद 2019 तक जो आर्म्स और जो असला आप लोगों ने खरीदा है वो बहुत पुअर क्वालिटी का खरीदा गया है। तो ये भी एक तरह से करप्शन केसेस के अंदर ही आ जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी आर्मी भी इस तरह से जो है वो पैसे बना रही है और एक जैसे कहना चाहिए पुअर क्वालिटी का असला और वो सब कुछ खरीदा जा रहा है? ये नहीं, नहीं, वो बहुत दूसरा है। आप जो बात कह रही है ना वो बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मसला है। वो उसमें क्या है कि इंडिया में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो कि असले वगैरह बनाती है आर्मी के लिए, मेजरली आर्मी के लिए बनाती है। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो 200-250 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, कलकत्ता में बेस्ड है। तो गोलियां हुई आपकी, ये बोफोर्स के शेल्स वगैरह हुए जो फायर करते हैं, मोर्टार्स वगैरह वो सब बनाते हैं। तो इंडिया में ये एक और इवन जो बॉडी आर्मर वगैरह जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह वो सब बनाते हैं, तो उसमें ये था कि एक रिपोर्ट आई थी कि तो उसमें ये कहा गया कि जिस तरीके का जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने हमको प्रोवाइड करा है, इतने पैसे में कम से कम 100 बुफोर्स ये आर्टिलरी गन्स आ जाती है हमारी, जितना पैसा इन्होंने वेस्ट करा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने। तो यही रीजन है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन के लिए पिछले कई 3-4 साल से ये गवर्नमेंट जो है वो कोशिशें कर रही है कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, बिकॉज इट इज नॉट जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू रन बिजनेसेस। हुकूमत का काम नहीं होता है कि वो बिजनेसेस रन करे, और जब हुकूमतें जब बिजनेस रन करती हैं तो यही सब होता है, बिकॉज वहां पे फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, टारगेट्स नहीं होते, सरकारी नौकरी है आपकी, आप काम कर रहे हो, आपको कोई निकाल सकता नहीं है। तो एक परसेप्शन होता है ना इंसान के दिमाग में कि सरकारी नौकरी मिल जाए क्योंकि वहां काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक। सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का वो मसला है, तो उसमें कोई करप्शन वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी कि इंडिया का जो लॉ है वो ये बाउंड करता है इंडियन आर्मी को कि वो 80% जो अपनी ये जरूरियात हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से ही लेंगे और कहीं से ले ही नहीं सकते, ये कानून है।
तो उसके लिए फौज कंप्लेन करती रही है, तो उसमें करप्शन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई वो गवर्नमेंट आर्मी तो कहती है कि हमको नहीं चाहिए इनके सामान, ये सामान ये अप टू द मार्क क्वालिटी के नहीं बना रहे ये, हाँ, लेकिन तो उसमें करप्शन वाली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब वो लॉ है कि नहीं आपको लेना है तो वो लेते हैं। तो अभी देखिए शायद अभी एक डिस्कशन शुरू हुई है कि उनको प्राइवेटाइज करा जाए, तो आई गेस कि ओएफबी को शायद प्राइवेटाइज कर देंगे ये। आप काफी दिन से मेरे ख्याल है कश्मीर नहीं गए लास्ट जब आप गए थे उसके बाद, उस वक्त हमने हमने एक शो बनाया था आपके वापस कश्मीर से, तो कश्मीर को आपको क्या लग रहा है कि हम क्या होगा आगे, सौ साल इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, इसी तरीके से एक दूसरे के जो फौजी है उनको मारते रहेंगे? देखिए अब वो पाक फौज की रोजी रोटी आप क्यों बंद कराना चाहती हैं भाई, उनका उनका जो डिसप्रोपोर्शनेट बजट है, उनका जो डिसप्रोपोर्शनेट उनकी जो साइज है आपकी फौज की, 1.3 बिलियन की आबादी, ठीक है, इतनी इतना बड़ा मुल्क जो कि साइज में आपसे 7 गुना बड़ा है, आबादी में न जाने कितना गुना बड़ा है, उस मुल्क के पास 12 लाख की फौज है, आपकी 22 करोड़ की आबादी है, आपके पास 7 लाख की फौज है, ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शन तो है ना आपकी फौज की साइज का। और फिर बजट का भी आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो बजट का कितना हिस्सा लेती है, कितना परसेंट लेती है, और आपकी फौज बजट का कितना हिस्सा लेती है, ठीक है, मतलब उसमें भी 10-12 गुना का अंतर है। तो ये चीजें जस्टिफाई अगर करनी है तो वो कैसे होंगी, अगर आप कश्मीर का मसला अगर आप सॉल्व कर देते हैं फिर तो आप फिर तो कल को आपकी जो भी हुकूमत होगी वो हुकूमत कहेगी कि भाई अब तो कश्मीर का मसला सॉल्व हो गया, अब हमें 7 लाख की फौज क्या करनी है, फौज को 2 लाख की करो, 2.5 लाख की करो, तो वो जो 4.5 लाख 5 लाख जो ट्रेंड बंदे हैं, जो एक पूरी आपके फौज के अंदर की जो ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है, अब इतनी बड़ी फौज है तो उसके फौज के अंदर भी एक ब्यूरोक्रेसी बन जाती है, उसको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, ये जो आपके गैरिसन्स बने हुए हैं बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने हुए हैं, और जहाँ भी गफूर साहब हैं ओकाड़ा में मिलिट्री फार्म्स, ये सब कैसे मैनेज होंगे, ये जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं ये कैसे चलेंगे, तो रोजी रोटी आपकी हिंदुस्तान की फौज तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बनाती नहीं है कि हिंदुस्तान की फौज को कोई मसला हो गया, अगर कश्मीर का मसला सॉल्व हो गया तो हिंदुस्तान की फौज ने क्या करना है, हिंदुस्तान की फौज ठीक है हम अपनी फौज कम कर देंगे, लेकिन हमारी फौज की जो तादाद है वो इसीलिए ज्यादा है ना कि जब जब आप लोग हर वक्त बताते रहते हैं 71 तो उसमें अमजद शेख साहब जो है वो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब है उन्होंने यही कहा था कि 71 में पाकिस्तान के पास फौज बहुत छोटी फौज थी, कम लोग थे, इस वजह से जो है वो हम लोग पीछे हटे या हमें हटना पड़ा। तो ऑब्वियसली अगर हमें अपने से कहीं ज्यादा बड़ी आबादी कहीं ज्यादा बड़ी फौज को या किसी को हैंडल करना हो जबकि तो फिर ऑब्वियसली वो तो होगा कि आर्मी पे तो लगाएंगे, वरना तो आप लोग क्या कहते रहते हैं कि हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, कभी लाहौर तक आ जाएंगे, कभी कराची, कभी क्या बात हो रही थी, आप डिफरेंट मतलब पॉलिटिशियन कुछ भी कहते हैं, तो उस लिहाज से पाकिस्तान को अपने बचाव के लिए अपनी सेफ्टी के लिए आर्मी तो रखनी होगी और आर्मी को स्ट्रॉन्ग भी करना होगा। तो आपने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स किसके लिए बनाए हैं अगर आपको फौजी इतनी बड़ी रखनी है? देखिए आप दो में से एक चीज डिसाइड करें, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ यही है, टैक्टिकल न्यूक्स को जस्टिफाई करने के लिए आप कहते हैं कि क्योंकि आपकी फौज हमारी फौज से बहुत बड़ी है इसलिए हमको टैक्टिकल न्यूक्स चाहिए। अगर टैक्टिकल न्यूक्स आपने बना लिए तो फिर अपनी फौज छोटी कर लीजिए, ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं हमारी फौज हमें बड़ी रखनी है बिकॉज आपकी फौज हमसे बहुत बड़ी है तो फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हटा दीजिए। आप दोनों रखेंगे और दोनों को एक ही आर्गुमेंट से आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। और खैर आपकी फौज है, देखिए आपकी फौज को रोटी आपने खिलानी है, मैंने तो नहीं खिलानी, ठीक है, आप अपना पेट काट के दे रहे हैं उनको पैसे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में चीनी जो है आज की डेट में भी 25-30-35 रुपए किलो मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 104 रुपए की चीनी आप खा रहे हैं, आटा 3 गुना रेट पे आप खरीद रहे हैं, बिजली 4 गुना महंगी आप ले रहे हैं, लोड शेडिंग आपके यहाँ हो रही है 12 घंटे, हमारे यहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रखें, आप 7 लाख नहीं आप 17 लाख की फौज कर ले। जैसे एक आप मैं आप कुछ उस तरह कमेंट्स नहीं करना चाहता,
लेकिन अगर आप कर लेंगे भाई, आपकी आपका मुल्क है, आपकी फौज, आप खिलाए पिलाए उनको, मुश्तंडा करें, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन कश्मीर का मसला ऑक्सीजन अगर किसी के लिए है, ठीक है, तो वो आपकी फौज के लिए, हमारी फौज के लिए नहीं, हमारी फौज के लिए तो एक मतलब परेशानी का बायस है ना भाई। हमें वहां पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करने पड़ते हैं, हमें वहां पे एलओसी पे जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो रोकनी पड़ती है, हमारे लिए तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं कश्मीर में फौज डालना। आपकी फौज के लिए क्या है, आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, आप उनको यूज करते हैं, लो कॉस्ट एसेट्स हैं आपकी, फौज ने खुद लड़ना नहीं है, वही है कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं, ठीक है, तो खुद तो जंग लड़नी भी नहीं है, जंग लड़नी तो नवाज शरीफ से है ना। जनरल बाजवा ने वो आपके JUI के क्या नाम है उनका, वो मौलाना गफूर हैदरी, हाँ मौलाना गफूर हैदरी से उन्होंने कहा था कि बुला करके जनरल बाजवा ने, जब मौलाना साहब जब लास्ट ईयर दिसंबर में जब वो निकाल रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, उन्होंने कहा कि आप इस मसले में ना पड़े, हम जो नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं हमें करने दें और इसमें आप मुदाखलत ना करें। ये मौलाना गफूर हैदरी ने ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पे बोला है कि जनरल बाजवा ने मुझे बुला करके पर्सनली ये चीज अपने केबिन में बोली। तो भाई बाजवा ने तो नवाज शरीफ से लड़ना है और आपकी रियासत तो इनसे ही लड़ती रही है ना भाई। जियाउल हक लड़ता रहा पूरी जिंदगी जुल्फिकार अली भुट्टो से, लास्ट में टांग दिया। उसके बाद आप आइए जनरल असलम बेग और ये सारे, इन्होंने ये बीवी जो उनकी बेटी थी क्या नाम है, बेनजीर भुट्टो से लड़ते रहे, जनरल असलम बेग वगैरह, उनको सिक्योरिटी रिस्क बना दिया, ठीक है। फिर आइए राहिल शरीफ और जहीर इस्लाम बाबर और ये राहिल शरीफ, ये सारे नवाज शरीफ से लड़ते रहे इंक्लूडिंग मुशर्रफ। तो आपके यहाँ जो फौज है उसकी, वो तो पिछले 40-45 साल से तो वो तो अपने लोगों से लड़ रही है, उन्होंने हमसे क्या लड़ना है? हमसे लड़ने के लिए तो उन्होंने ये जैश ए मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा पाल रखे हैं। लेकिन देखे पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर एसेट्स जो होते हैं जब उनके आपके पास होते हैं, हमारे पास चलाने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ रखने के लिए, डराने के लिए होते हैं, इसलिए कि कोई भी रिस्क नहीं हो सकता उनको चलाने का। और जहाँ तक अपोजिशन को खत्म करने की बात है तो आप क्या भी आप लोग तो फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए किस लिए है? जब चलाने के लिए नहीं होते तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो आपके पास था ही ना, तो फिर टैक्टिकल बॉम्ब क्यों बनाए आपने? देखिये आप लोग जो जो आप दूसरी बात कर रहे हैं तो वो भी आप लोग भी तो कांग्रेस में आगे नहीं आने देते किसी को, और जो आम आदमी पार्टी है या कोई भी दूसरी पार्टी बीजेपी के अलावा भाई, भाई कांग्रेस ने 10 साल रूल करा है, 2004 से 2014 तक रूल करा है उन्होंने, 10 साल उन्होंने रूल करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। मोदी गवर्नमेंट तो पॉपुलर वोट्स लेके आई है ना, पहला इलेक्शन भी फुल मेजोरिटी से जीते, अगला इलेक्शन उससे भी ज्यादा मेजोरिटी से जीते, तो ये तो उनकी नाहली है। लेकिन हिंदुस्तान में कभी भी किसी ने ये नहीं करा कि राहुल गांधी अगर मलेशिया वेकेशंस पे जाते हैं या अमेरिका या इटली जाते हैं वेकेशंस पे, तो उनको हमने नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बता दिया कि ये मोदी का यार है, गद्दार है, या इसकी एसेट्स हैं वहां इटली में, ढूंढ के ले आओ। उसकी नानी की एसेट्स हैं, कोई बात नहीं, मैं चूंकि राहुल गांधी की नानी तो वहीं रहती है इटली में ही, उनसे मिलने जाते हैं वो, भाई हम बता दें कि नहीं भाई ये तो एसेट्स, भाई इनकी नानी के पास इतना बड़ा मकान कहाँ से आया, इसका मतलब है राहुल गांधी ने दिया, तो हम इसके ऊपर उनको फ्रेम कर दें। इस तरह की हरकतें तो हमने नहीं करी कि बेटे से सैलरी क्यों नहीं ली, आपने बेटे से सैलरी क्यों नहीं ली, इस बात पे आपने एक इंसान को था हयात आपने बैन कर दिया कि वो सियासत ही नहीं कर सकता, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, वो अपनी खुद की पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। यानी कि हम पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डिफाइन करेंगे और PMLN का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो ये देखिए ये सर्कस है, मतलब आप खुद अगर इन बातों को आप कभी अपने किसी दोस्त से करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, खुद आपको हंसी आएगी इन बातों पे। तो हिंदुस्तान में ये नहीं होता, राहुल गांधी मोदी को, राहुल गांधी उनकी पूरी पार्टी उनकी माँ, उन्होंने राहुल मोदी को क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या नहीं बोला है मोदी के खिलाफ। आपको शायद पता नहीं होगा CBI को यूज करके जब गुजरात के जब केसेस चल रहे थे, CBI की इंक्वायरी चल रही थी, CBI मोदी को सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11-11 बजे तक लगातार ग्रिल करती थी, सवाल जवाब करती थी। एक 60 साल के आदमी को आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक स्ट्रेट 15-16 घंटे आप बिठा करके कमरे में पूछताछ करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो भी मोदी, और मोदी ने कभी कंप्लेन नहीं करी
कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे फंसाया जा रहा है, एक सिंगल ट्वीट नहीं करा मोदी ने। जब मोदी को उस इल्जाम से बरी हुआ था तो मोदी ने एक ही बार उस बारे में बोला था, सत्यमेव जयते, उसने ट्वीट करा था, ठीक है, द ट्रूथ ऑलवेज विंस। इससे पहले या इसके बाद में मोदी ने कभी भी उस सिलसिले में कोई बात नहीं करी कि भाई मेरे खिलाफ ज्यादती हो रही है। और इन्होंने हर कुछ किया है, हर एक हरबा इस्तेमाल किया, सीबीआई यूज करी, बाकी सेंट्रल एजेंसीज यूज करी, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनको गुजरात एंट्री में बैन लगा दिया, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने 10 साल तक। तो यहाँ पे आप जो कह रहे कि हम उनको नहीं आने देते, उन्होंने तो सारी कोशिश करी थी कि बीजेपी ना आने पाए, उसके बाद भी आई। बिकॉज देखिए पब्लिक के दिमाग में आज इमरान खान जो भी कर रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ, पब्लिक इज वॉचिंग। देखिए लोग जो है ना, लोग म्यूट स्पेक्टेटर होते हैं, आम इंसान रिएक्ट ऐसे नहीं करता है सड़कों पे निकल के। वो जब वोट देने जाएगा ना, तब वो देखेगा कि मियां साहब के साथ कितनी ज्यादती करी है इन्होंने, फिर वो देखेगा कि इसकी मियां साहब की वाइफ मर गई, उन्होंने नहीं जाने दिया, नहीं देखने दिया, उसकी बेटी को जेल भेजा, उसके भाई को जेल भेजा, उसके भाई के बच्चों को जेल भेजा, खुद मियां साहब को जेल भेजा, ठीक है, और किस इल्जाम में कि अपने बेटे से सैलरी क्यों नहीं ली थी तुमने, ये बताओ। एक मैं हूं, मैं अगर मेरा बेटा है, उसका बिजनेस है, अगर वो मुझे उसमें कोई पोजीशन देता है तो क्या मैं उससे तनख्वाह मांगूंगा कि नहीं तो मुझे तनख्वाह दो तो मैं काम करूंगा? अंडरस्टूड सी चीज है। और देखिए टैक्स इवेजन जो है, आप अगर टैक्स रिटर्न फाइल करती होंगी, हम ही है, बहुत सारे लोग हैं, अगर लीगल प्रोसेसेस दिए होते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे अगर आपने इतने की फिक्स डिपॉजिट है तो आपको इतना रिबेट मिल जाएगा, आपने फला गवर्नमेंट स्कीम में अगर पैसा इन्वेस्ट करा है तो आपको इतना रिबेट मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आप बेनिफिट्स अवेल करते हो कि हमारा पैसा भी बच जाए और हमें टैक्स भी ना देना पड़े। वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है, वो गवर्नमेंट ने ही बनाई है ये स्कीम्स और उसी काम के लिए बनाई है। शहबाज शरीफ को जिस इल्जाम में अंदर करा है वो क्या है कि भाई आपने जो टैक्स दिया है वो टैक्स जो है आपने पूरा नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई हमने टैक्स ये जो मनी सेविंग स्कीम्स थी हमने वहां पे डाइवर्ट करा। कहते क्यों डाइवर्ट करा, जेल चलो, ठीक है, तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया, डाइवर्ट क्यों करा, तुम जेल चलो। आप बताइए अब इन बातों को क्या है, क्या इन पे मैं तबसरा करूं? लेकिन ये है कि जो कुछ कश्मीर में हुआ है, जिस तरह से कश्मीर में कि भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस जो आ रही हैं, तो वो सब देख करके आपको लग रहा है कि मोदी जी जो है वो अगला इलेक्शन जीत पाएंगे? देखिए मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, ठीक है, कि मैं कोई नजूमी हूँ, मैं बता दूं अगला इलेक्शन कौन जीतेगा। आपके यहाँ पे पाकिस्तान में एक है एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे शेख रशीद टाइप, वो बताते हैं कौन अगला इलेक्शन जीतेगा, कौन कहाँ से जीतेगा, कहाँ से आएगा, आप उनसे पूछ लें, वो बता देंगे आपको। कश्मीर में इलेक्शन कहाँ होने वाले अभी, इलेक्शन नहीं, लेकिन जो कुछ गलत हो रहा है, जिस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है, हम भी देखते हैं वीडियोस आती रहती है सोशल मीडिया पे, और कभी जो है लोगों को मारा जा रहा है, वहां से लोगों को उठा के ले जाते हैं, मतलब वही सारी चीजें जो आप हमें कहते रहते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, अक्सर वो चीजें कश्मीर में भी हो रही, तो उसके अब मुझे नहीं पता, हो सकता पुरानी वीडियोस में, बिकॉज़ हाल फिलहाल में तो मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी कि जहाँ पे कोई राइटिंग हुई हो या जहाँ पे पुलिस ने, हाँ ये मुहर्रम के टाइम पे थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, श्रीनगर में हुई थी, और वहाँ पे कुछ, वो भी कुछ एक मखसूस इलाके में हुई थी, पूरे श्रीनगर में नहीं, बिकॉज मुहर्रम से ठीक एक दिन पहले मैं आया हूँ कश्मीर से, तो मुहर्रम से एक दिन पहले तक तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच। मुहर्रम के एक जब मुहर्रम शुरू हुआ है तो उस दिन एक इलाके में वहाँ प्रॉब्लम हुई थी जिसके बारे में मुझे पता है, वहाँ पे पुलिस ने, वहाँ पे भी कोई फौज वौज नहीं थी, वो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट था, उसमें पुलिस एहलकार भी बहुत सारे जख्मी हुए थे, उनके भी सर्वर फट गए थे, 3-4 पुलिस वाले जो जख्मी हुए थे, तो वो कुछ मेरे ख्याल से कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वो ठीक है, वो होती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो मुहर्रम पे ही, और भी फेस्टिवल्स हैं कई जगह पे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो एक इलाके में हुआ था, वो भी पूरे श्रीनगर में नहीं था। लेकिन आई होप कि कहीं ना कहीं जाके जो है वो ये बात जो है कहीं सॉल्व हो, और दोनों कंट्रीज में जो कम से कम ये कश्मीर वाला इशू जो है वो खत्म हो, और कश्मीरी अपनी मर्जी से जैसे रहना चाहते हैं वो रह सके, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं या इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ जो भी, मगर ये कि असल लोग वही है जो कश्मीर में रहते हैं उनसे कश्मीरी जो हिंदुस्तान में वो तो इंडिपेंडेंट ही है, उनको किसने रोका है? नहीं नहीं यार, वो इंडिपेंडेंट नहीं है,
आप आइए, आप आइए, जाइए कश्मीर, देखिए वहाँ पे आदूस नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भीड़ लगती है शाम को कश्मीरी वाजवान खाने के लिए। आप यार इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी तो आप किसी इंटरनेशनल मीडिया को जाने, आप देखिए आपका, देखिए आपका इंडिपेंडेंस है निजामे मुस्तफा, ठीक है, वो निजामे मुस्तफा नहीं आएगा, ठीक है, चाहे फौजे खुरासान से उठ ले, चाहे वो इराक से उठ ले, चाहे मेसोपोटामिया से जाए, जहां से भी आनी हो आ जाए। अगर अफगान जिहाद के टाइम पे आप नहीं करा पाए, कोल्ड वॉर के टाइम पे आप नहीं करा पाए, 9/11 के बाद आप नहीं करा पाए, तो अब तो आप भूल जाइए, अब वो निजामे मुस्तफा वहां नहीं आना। अब जी ना आए निजामे मुस्तफा, मैं कोई नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग भी वहां रहते हैं उनको पूरे राइट्स मिलने चाहिए, वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं, वो जैसे पूरे राइट्स है, अपनी मर्जी से ही रहते हैं, मेरी मर्जी से थोड़ी रहते हैं वहां पे। ये नरेंद्र मोदी थोड़ी कहता हमको फोन करके आज तुमने ये कपड़ा पहनना है, तुमने यहाँ जाना है, आज तुमने वहां नहीं जाना, अपनी मर्जी से ही रहते हैं। आप जाइए, आप तो श्रीनगर गई नहीं है इसलिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आप कश्मीर में जाएं, साउथ कश्मीर जाएं, नॉर्थ कश्मीर जाएं, आप जाके घूमिए, आप किसने रोका है आपको, आप वीजा ले आए और जाए, लेकिन वहां पे हर कोई अपनी मर्जी से ही रह रहा है। बिल्कुल सही, नहीं मैं डेफिनेटली आऊंगी, मेरा पक्का इरादा है मैं श्रीनगर भी देखूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्या थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।